हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। बाहुबली भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक फिल्म है। ये उन फिल्मों में से एक है जिनकी कामयाबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दो हिस्सों में बनी ये फिल्म महान माहिष्मति साम्राज्य के शासकों अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली की कहानी थी। इस फिल्म में प्यार, धोखा, बहादुरी और षड्यंत्र सब कुछ था। बिना किसी छुट्टी या त्योहार के रिलीज हुई इन फिल्मों ने धमाकेदार कमाई की और 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। बाहुबली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये फिल्म दर्शकों को एक अलग ही समय में ले गई। इस फिल्म को इतना बड़ा बनाने में VFX का भी बहुत बड़ा हाथ था। आइए आपको बताते हैं आने वाली कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो अपने लुक और फील के मामले में बाहुबली के लेवल को टक्कर दे सकती हैं। तख्त। 2020 में आने वाली इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत जबरदस्त है। रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, विकी कौशल और भूमि पेडनेकर जैसे बड़े बड़े नाम इस फिल्म का हिस्सा हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बन रही फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी कंगना रनौत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को बाहुबली के लेखकों ने ही लिखा है और इसका टीजर भी काफी पसंद किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र। अयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की जा रही ये फिल्म एक फैंटेसी फिक्शन होगी और इसे दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसमें रणबीर कपूर के साथ अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, आलिया भट्ट और मोनी रॉय होंगे। भारत। सलमान खान की भारत का इंतजार सभी को बहुत बेसब्री से है। भारत की आजादी से शुरू होकर आज के समय तक के सफर को दिखाने वाली ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा होगी। फिल्म में सलमान खान को 5 अलग अलग उम्र में दिखाया जाएगा। तानाजी। अजय देवगन मराठा वीर तानाजी का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसा कि सभी को पता है, अजय जब कोई किरदार निभाते हैं तो परफेक्शन की हद तक जाते हैं। इसलिए कई सालों से तैयारियों पर चल रही इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कलंक। कलंक करण जौहर की एक और बड़ी फिल्म है जिसे डायरेक्टर अभिषेक कपूर डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े एक्टर्स काम करेंगे। पानीपत। जोधा अकबर जैसी जबरदस्त फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर अगर कोई फिल्म बनाते हैं तो लोगों की एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ जाती है। आशुतोष की अगली फिल्म पानीपत है, जिसमें पानीपत के युद्ध की कहानी होगी। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, कृति सैनन और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में होंगे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये फिल्म साल 2018 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है और इसका इंतजार लोगों को तभी से है जब से इसकी शूटिंग शुरू हुई है। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ काम करेंगे। ट्रेलर देखने के बाद से तो इसका इंतजार करना और मुश्किल हो गया है। आमिर खान के नाम की वजह से ही ये फिल्म आराम से 1000 करोड़ क्लब में एंट्री मार सकती है। 2.0। तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी डब होकर रिलीज होने वाली इस तमिल फिल्म को बाहुबली की टक्कर का माना जा रहा है। मेगास्टार रजनीकांत की इस फिल्म में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार विलेन बनकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिल्म 3D वर्जन में भी रिलीज की जाएगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।